हेलो एवरीवन, मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज आप हम बात करने वाले हैं उन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए आने वाले जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। और आज का अपना जो ये लेक्चर है, मैंने इसमें कुछ नया चेंज करने की कोशिश की है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ में अपने चैनल जी एस अड्डा विद पीसी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, उसके ऑल बटन के घंटे को प्रेस करें, जिससे आने वाले जितने भी नेक्स्ट वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनको अपने निर्धारित समय सुबह 9 बजे देखें और अपनी जी एस नॉलेज को बढ़ाएं। तो डियर फ्रेंड्स, इसी क्रम में अपन अपने क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। और आज के लेक्चर का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? आपको बताना है फ्रेंड, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? ए एड्रिनल ग्लैंड, बे पिट्यूटरी ग्लैंड, से थायराइड ग्लैंड और द उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो जीवन रक्षक हार्मोन है, जो अपने जीवन की रक्षा करने वाले हार्मोन है, वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर बताइए। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड। यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन वे हार्मोन होते हैं जो जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं, यानी कि हमारे जीवन की सुरक्षा पर, हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित हुआ, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रिनलिन हार्मोन, या जिसको अपन एथिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं वो संकटकालीन ग्रस्त हार्मोन कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? संकटकालीन हार्मोन इनको कहा जाता है। कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन, या जिसको एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन स्रावित होते हैं जिनको संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया क्या है? ए जल में पाए जाने वाले जीव, बे जल व थल पर जीवन यापन करने वाले जीव, से जल में पाए जाने वाली एक मादा प्राणी और द जल की एक मछली। तो आपको बताना है जो एम्फीबियंस क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर को अपन जाने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बे, जल व थल पर जीवन यापन करने वाले जंतु। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा इसका? बे। यानी कि वे जंतु जो जल और थल दोनों पर अपना जीवन यापन करते हैं, किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? एम्फीबियन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ओके फ्रेंड, इससे पहले एक बार थोड़ा सा अपन जो बैक जो अपना क्वेश्चन था, एक बार उसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अपन जाने, तो इसको पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यानी कि जो सब ग्रंथियां होती है उनकी मास्टर होती है, उनको उनका टीचर कहलाती है, ये उनकी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। और इसके द्वारा पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित होता है। ओके फ्रेंड, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित होता है। बात करें थायराइड ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन विभिन्न प्रकार की, इसकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं थायराइड ग्लैंड की, जिसे जैसे जिसको अपन जैसे एक तो कहते हैं जो आउटोमनता रोग होता है, आउटोमनता रोग है, मिक्सीडेमा है, इसके अलावा हाशिमोटो रोग है। तीन रोग बताए मैंने आपको, एक तो आउटोमनता, मिक्सोडेमा और एक हाशिमोटो रोग। ओके फ्रेंड, और ये ग्लैंड होती है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग आउटोमनता रोग है, इसके अलावा बात करें तो मिक्सोडेमा है, एक होता है हाशिमोटो रोग है। तो ये रोग स्रावित होते हैं। और पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी है, तो क्या होगा? थायराइड ग्लैंड होता है। ओके फ्रेंड, अब चलते हैं अपन अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसका आंसर आपने बताया कि जल एम्फीबिया क्या, एम्फीबिया क्या है? जल व थल पर जीवन यापन करने वाले जंतु। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? ए एड्रिनल ग्लैंड से, बे थायराइड ग्लैंड से,
पीयूस ग्लैंड से और द लैक्रिमल ग्लैंड से। तो आपको बताना है फ्रेंड जो आंसू होते हैं वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो राइट आंसर की अपन बात करें फ्रेंड तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द लैक्रिमल ग्रंथि से, यानी कि लैक्रिमल जो ग्लैंड होती है उससे क्या स्रावित होते हैं, अश्रु स्रावित होते हैं। यानी कि हमारे जो आंसू स्रावित होते हैं किस वजह से स्रावित होते हैं, क्योंकि हमारी जो आईज होती है उनमें एक ग्लैंड होती है जिसको लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं और उसी के जरिए क्या होते हैं, आंसू स्रावित होते हैं। ओके फ्रेंड, बात करें अपन, मैंने आपको बताया कि आंसू होता है कि आंसू का पीएच कई बार पूछ लिया जाता है, इसका पीएच मान कितना होता है। तो डियर फ्रेंड्स इसका पीएच मान अगर बात करें तो इसका पीएच मान होता है 6.3 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है, 6.3 होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पीसीज वर्ग का प्राणी है, जेलीफिश ब स्टारफिश स शार्कफिश और द सिल्वरफिश। तो आपको बताना है जो मत्स्य वर्ग का प्राणी कौन सा है। डिफरेंस ये इनको अगर देखा जाए तो सारे अपने को लगते हैं कि सारे मत्स्य वर्ग से हैं, लेकिन इनमें एक ही ऐसा है जो मत्स्य वर्ग से बाकी मत्स्य वर्ग से रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन स शार्क, यानी कि शार्क होता है वो मत्स्य वर्ग का प्राणी होता है। ओके फ्रेंड, क्या होता है, मत्स्य वर्ग का प्राणी होता है, बहुत बड़ी मछली होती है शार्क मछली, जो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी कैटेगरी की मछली होती है शार्क मछली और जो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती है। इसके अलावा बात करें अपन जेली फिश की, स्टार फिश और सिल्वर फिश, तो ये मत्स्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप की चिकित्सा के लिए एक औषधि किसकी जड़ों से प्राप्त की जाती है, सेल्सिया कोरोमेंडेलिवा ब रावल्फिया सर्पेंटाइना से इकबेलियम इलाइटेरियम द फेंसेनिकुलम वल्गेर। तो आपको बताना है कि जो रक्तचाप की चिकित्सा होती है, रक्तचाप के जो उपचार की क्रिया होती है, वो कौन सी औषधि की जड़ों से प्राप्त की जाती है। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब रावल्फिया सर्पेंटाइना। क्या होगा, रावल्फिया सर्पेंटाइना, तो किसका, मैंने आपको बताया कि रावल्फिया सर्पेंटाइना होता है वो सर्पगंधा का बोटनिकल नेम होता है, यानी कि सर्पगंधा की जड़ों से, यानी कि सर्पगंधा एक ऐसी औषधीय पादप होता है जिसकी जड़ों से जो ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है उसका उपचार किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर विधि क्या है। आपको बताना है एक्यूपंक्चर विधि क्या है, एक फसल का नाम ब एक प्रागैतिहासिक जंतु का नाम स चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति और द ट्यूबों में पंचर जोड़ने की एक विधि। तो आपको बताना है कि ये एक्यूपंचर विधि क्या है फ्रेंड, इसके राइट आंसर को जाने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति, यानी कि एक्यूपंचर एक ऐसी विधि होती है जो चीन के द्वारा अपने को प्रदान की गई एक पद्धति है जिसके द्वारा हमारे विभिन्न प्रकार के जो कोई भी अपने शरीर में बॉडी में किसी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है तो उसका उपचार इसके द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी, ए रॉबर्ट सी गेले ब ल्यूक मोंटेगनर स जॉन क्यूडसन और द जॉन गिलब्रिथ। तो आपको बताना है जो एड्स वायरस HTLV-3, एड्स वायरस कौन सा, HTLV-3 की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर को जाने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट सी गेले, यानी कि रॉबर्ट सी गेले वैज्ञानिक ने सबसे पहले एड्स वायरस HTLV-3 की खोज की थी। आपसे कोई पूछा जाए कि एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की, क्या बताओगे, रॉबर्ट सी गेले। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रारूपिक जीन प्रारूप का संकर अनुपात कितना है, आपको 9:3:3:1 / 3:1 / 1:2:1 9:7। तो आपको बताना है कि जो भी प्रारूपिक जीन होता है, कोई जो जीन जो हमारे शरीर में जो गुणसूत्र प्रेजेंट क्रोमोजोम्स होते हैं उनके साथ में जो जीन्स होते हैं उनका एक संकर अनुपात कितना होता है, कि किस जो मेंडल ने अपने आनुवांशिकता सिद्धांत में इस चीज को समझाया था, उन्होंने इसके लिए मटर के पौधे को चुनाव किया था। और मटर के पौधे का अगर बात करें उनके बॉटनिकल नेम की, तो उसका बॉटनिकल नेम होता है
पाइसम सेटाइवम, और उसी में उन्होंने अपने सबसे पहले प्रयोग किए थे और उसके आधार पर उन्होंने जीन प्रारूप में विभिन्न प्रकार के लक्षण देखे और उनको उन्होंने कुछ डिफरेंस अनुपात में डिवाइड किया। कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने उन पौधों पर अपना प्रयोग आजमाया तो उन्होंने देखा उसमें विभिन्न प्रकार के अलग 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 कंडीशन के अंदर उनके वो पौधे प्राप्त हुए और उनको उन्होंने एक संकर अनुपात नाम दिया। तो इसी क्रम में पूछा गया कि एक प्रारूपिक जीन प्रारूप का संकर अनुपात कितना है। तो फ्रेंड इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन स, 1:2:1। यानी कि एक प्रारूपिक जीन प्रारूप का संकर अनुपात कितना होता है, 1:2:1। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है। आपको बताना है कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है। ए आलू की, ब कपास की, स मूली की, और द शकर कंद की। तो कुफरी चमत्कार को बारे में बताना है कि किस फसल की प्रजाति है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आलू की प्रजाति है। यानी कि कुफरी चमत्कार किसकी फसल है, आलू की प्रजाति है। अब जान लेते हैं इनके बोटनिकल नेम के बारे में, क्योंकि एग्जाम में एक बोटनिकल नाम अवश्य पूछा जाता है। तो आलू की बात करें, आलू का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। कपास की बात करें, कपास का होता है गोसिपियम हर्बेसियस। मूली का होता है रेफेनस सेटिवस। शकरकंद का होता है इपोमाया बटाटा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम, कपास का गोसिपियम हर्बेसियस, मूली रेफेनस सेटिवस, शकरकंद इपोमाया बटाटा। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रोकार कैंथोला किस रोग से संबंधित है। ए जोहानिस बीमारी से, ब गलघोटू बीमारी से, स टिम्पेनाइटिस बीमारी से, और द जहरवाद बीमारी से। तो आपको बताना है जो ट्रोकार कैंथोला रोग होता है वो किस बीमारी की वजह से होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन स टिम्पेनाइटिस बीमारी से। यानी कि टिम्पेनाइटिस बीमारी से कौन सा रोग होता है, ट्रोकार कैंथोला रोग होता है। आपसे कोई पूछे कि ट्रोकार कैंथोला किस रोग से संबंधित है, तो होगा टिम्पेनाइटिस बीमारी से। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदूषित जल में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि आपको बताना है कि जो प्रदूषित जल होता है उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से क्या होता है, यानी कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ए नहीं होता है, ब कम होता है, स अधिक होता है, द उपयुक्त सभी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द अधिक होता है। कहने का मतलब जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये एक जल प्रदूषण को मापने की एक इकाई होती है। कि अगर कोई भी बात करें अपन उसकी, तो इस क्रिया के अंदर कहेंगे जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये एक ऐसी मापी इकाई होती है जिसमें अपन किसी भी जल में घुलित जो ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा को इसका निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा का निर्धारित किया जाता है। और इसी वजह से जब जल में अत्यधिक मात्रा में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, जल का संक्रमित होना कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल का उपयोग किसके निर्माण में होता है। ए बेकेलाइट के, स पॉलीस्टीरीन के, स नायलोन के, और द पीवीसी के। तो आपको बताना है जो फिनोल का उपयोग किसके निर्माण में होता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेकेलाइट के निर्माण में। यानी कि बेकेलाइट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, फिनोल का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, अब इनके बारे में अपन जान लेते हैं थोड़ा सा। कि सबसे पहले तो अपन जाने कि जो बेकेलाइट, पॉलीस्टीरीन, नायलोन, पीवीसी, ये सारे एक प्रकार के संश्लेषित रेशे होते हैं। क्या होते हैं, यानी कि संश्लेषित, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ओके फ्रेंड, और बात करें जैसे अपन पीवीसी की बात करें तो पीवीसी की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या फुल फॉर्म होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो एक प्रकार का क्या होता है, एक संश्लेषित बहुलक होता है। बात करें बहुलक की, तो बहुलक मैंने आपको बताया था कि जब कोई विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती हैं तो उसको पॉलीमर या बहुलक कहा जाता है। ओके,
और ये जो सारे होते हैं सब कैसे मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। इसी तरह बात करें एक नाइलोन की, तो नाइलोन रेसा होता है वो भी एक तरह का क्या होता है, संश्लेषित रेसा होता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों को बनाने में, जैसे पैराशूट बनाने में, पैराशूट, इसके अलावा अपने जो अपन सॉक्स पहनते हैं, जुराबे जो पहनते हैं उनको बनाने में, इसके अलावा पर्दे बनाने में, कार वगैरह जो कार मोटर गाड़ियाँ होती हैं उनके सीट्स बनाने में ही, इनके अलावा जो हैंड बैग होती हैं उनको बनाने में, मजबूत रस्सियाँ बनाने, इन सब में किसका उपयोग किया जाता है, नायलोन का यूज किया जाता है, जो एक प्रकार का बहुत ही अधिक मजबूत रेसा होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, ए लैक्टिक अम्ल नींबू, ब साइट्रिक अम्ल दूध, से सैलिसिक अम्ल तेल, और द टार्ट्रिक अम्ल अंगूर। तो आपको बताना है मैं कौन सा ऐसा जो बिल्कुल सही जोड़ा है। तो राइट आंसर होगा इसका फ्रेंड ऑप्शन द टार्ट्रिक अम्ल, यानी कि अंगूर के द्वारा कौन टार्ट्रिक अम्ल कौन से उसमें सीक्रेट होता है, अंगूर में, यानी कि अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। बात करें नींबू की, तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, दूध यानी कि दही होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, तो आप समझ में होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ को द्रव्य सोना कहा जाता है, ए द्रव में द्रव रूप में स्वर्ण, ब द्रव रूप में सोडियम, से सरसों का तेल, और द पेट्रोलियम तेल। तो आपको बताना है किस पदार्थ को द्रव सोना, यानी कि जिसको अपन लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन द पेट्रोलियम तेल को, यानी कि पेट्रोल को क्या कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वृक्ष की आयु की संगणना की जाती है, ए शाखाओं की संख्या के आधार पर, ब उसकी ऊंचाई के आधार पर, स तने के घेरों के द्वारा, और द वलयाकार छल्लों की संख्या से। तो आपको बताना है कोई भी एक वृक्ष है, अगर उसकी अपन आयु जानना चाहें तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द वलयाकार छल्लों की संख्या से। यानी कोई भी पेड़ है, कोई भी एक वृक्ष है, अगर अपन उसकी आयु को जानना चाहें तो उस पेड़ के तने के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो छल्ले बने होते हैं, जो वलयाकार गोलाकार छल्ले होते हैं, उन छल्लों की गणना के आधार पर हम किसी भी वृक्ष की आयु की गणना कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ए हीरे का चमकना, ब मृग मरीचिका का बनना, स कांच में आई दरार का चमकना, और द उपरोक्त सभी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि मैंने आपको बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके ऊपर जो एक जो क्रांति कोण होता है, वो उसमें जो आपतित उसका एक उसका मान होता है, उससे अधिक अधिक कोण पर आपतित होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो जो हीरे का चमकना है, मृग मरीचिका का बनना, और कांच में आई दरार, ये सारे के सारे के उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल है। बात करें अपन मृग मरीचिका का बनना, कि मृग मरीचिका कैसे बनती है, तो डियर फ्रेंड्स आपने गर्मियों के दिनों में देखा होगा कि जो या तो अपन रोड की अपन जो अपनी सड़क होती है उसकी बात करें, या टीलों को अपन देखते हैं, तो अपन देखो अपन दूर तो देखते हो, अपन को धूप में उसको वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे खूब सारा पानी इकट्ठा हो रखा है, या अपन रोड पे चल रहे होते तो अपने को काफ़ी दूर ऐसे दिखता है कि वहाँ पे खूब सारा पानी गिरा हुआ है, तो वो कंडीशन होती है मृग मरीचिका। ओके फ्रेंड, बात करें ऐसे अपन हीरे का चमकना, तो उसमें कृष्णीकरण की क्रिया की वजह से वो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हमने वो चमकता हुआ दिखाई देता है, और ऐसे अगर कांच में अगर दरार आ जाती है तो वो दरार चमकती हुई किसकी वजह से दिखाई देती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिजली के फ्यूज तार किसके बने होते हैं, आपको बताना है फ्रेंड जो बिजली के फ्यूज तार वो किसके बने होते हैं, ए तांबे से, ब टिन से, से तांबा व टिन से, द लोहे व पीतल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से तांबा व टिन से, यानी कि बिजली में जो फ्यूज लगाया जाता है उसमें जो तार होता है वो तार किसका बना होता है, तांबा व टिन से मिलकर बना होता है। ओके फ्रेंड, और इसीलिए अगर कई बार बिजली अगर तेज आ जाती है, झटका लगता है बिजली, तो उस वजह से अपनी जो अपने ऑपरेटर्स होते हैं वो खराब नहीं हो पाते, क्योंकि ये जो तांबा टिन का तार होता है ये वहीं तक अपनी बिजली को रोक लेता है, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे आगे अपने जो उपकरण होते हैं वो खराब नहीं हो पाते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, ए लोहा का, ब तांबा का, स टंगस्टन का, और द
सीसा का। तो आपको बताना है कि जो विद्युत बल्ब में जो एक तार लगा होता है वो फिलामेंट होता है, वे किस धातु का बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से टंगस्टन धातु का, यानी कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? आपको बताना है जो पिच ब्लेंड होता है किस धातु का अयस्क होता है, ए कोरंडम का, ब यूरेनियम का, स क्रोमियम का और द मिलेकाइट का। तो जो डिफरेंस पिच ब्लेंड होता है वो यूरेनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? यूरेनियम का। बात करें कोरंडम की तो कोरंडम का जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, और बात करें एल्यूमिनियम का अयस्क होता है कोरंडम एल्यूमिनियम का। इसके अलावा और अपन बात करें तो एक होता है बॉक्साइट, एक होता है कार्नेलाइट, नीलम, डायस्पोर, ये सारे किसके होते हैं? यूरेनियम के अयस्क होते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ए परमाणु द्रव्यमान, ब परमाणु क्रमांक, स परमाणु घनत्व और द इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो आधुनिक वर्तमान में जो वर्तमान की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु की संख्या को निर्धारण के आधार पर ही हम तत्वों के वर्गीकरण का आधार निश्चित करते हैं। जो आज वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक होता है, क्योंकि परमाणु का जो क्रम निर्धारण है वही उसके वर्गीकरण का आधार होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आज एक जो मैंने नया चेंज किया है कैसा लगा, आप मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, क्या वाकई में आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप अपने जितने भी फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे भी इतना होगा कि आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो पाएगी और वो कहीं ना कहीं जाके आपको थैंक्स कहेगा, और मेरा भी एक छोटा सा जो मैसेज है उन तक पहुंच पाएगा, और आपके फ्रेंड्स और जो फैमिली मेंबर जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने जीएस नॉलेज को बढ़ा पाएंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज तो बताना कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, और साथ में मेरे इस चैनल जीएस अड्डा विद पीसी को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करना जिससे कि आगामी जितने भी वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को बढ़ा सके। फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।